हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। हमने ओसी मेथड के बारे में बात करी थी, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड के बारे में लास्ट वीडियो में आपने देखा था, और हमने केवल फॉर्मूले लिखे थे, उसमें हमने कोई क्वेश्चन नहीं लिखा था। तो आज हम उन्हीं फॉर्मूलों के बेस पे क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है आप देख रहे हो, हमने लिख रखा है, इसमें रॉ मटेरियल दे रखा है, ये 2013 का 14 का WIP दे रखा है, वर्किंग प्रोसेस दे रखा है, ये 4560, ये 13-14 का है, ये फिनिश गुड्स है, ये ट्रैक्टर दे रखे हैं, अपनी क्लोजिंग ट्रैक्टर अपनी क्लोजिंग दे रखे हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है, वेजेस दे रखी है, मैनुफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, और सेल्स दे रखे हैं। नीचे इसमें एक्स्ट्रा दे रखा है कैश परचेज, वो है 149,500 है, ठीक है। ये जब क्रेडिटर अपने एवरेज क्रेडिटर निकालेंगे, एवरेज जो क्रेडिटर का जो टाइमिंग होता है वो क्रेडिट निकालेंगे, तब ये नाम आएगा, क्योंकि वो क्रेडिट पे मिलता है, कैश वाले को हम घटाएंगे, जो मैं परचेज दी हुई है उसमें से, जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इसमें से, और ऑल गुड्स आर सोल्ड फॉर क्रेडिट, जो सारा का सारा माल है जो बेचा जाता है उधार में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा है, हम इसमें निकालेंगे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। आपको याद करना है ओसी ओसी पीरियड, इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे ओसी पीरियड को, तो किस तरीके से निकाल। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हमें इसमें जो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालना है, तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में हमारा जो फॉर्मूला होता है उसी का हमने लिखा था। सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम पीरियड होता है प्लस WIP कन्वर्जन पीरियड होता है, ठीक है, इसको वर्किंग प्रोसेस पीरियड भी बोलते हैं, और फिनिश गुड स्टोरेज जो पीरियड होता है वो होता है एफ के नाम से जानते हैं इसको। फिर उसके बाद में डेटर कलेक्शन पीरियड होता है, डेटर से कितने दिन बाद में अपने पास पैसा आता है वो माइनस करते हैं, इसमें से क्रेडिटर पीरियड होता है, क्रेडिटर उधार लोगों को हमने जिस लोगों से उधार लिया है उनको हम वापस कितने दिनों बाद में पेमेंट करते हैं, तो ये पेमेंट पीरियड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये सारे टॉपिक निकालने हैं। तो सबसे पहले नंबर है एन, एन का मतलब मटेरियल स्टोरेज पीरियड, मटेरियल स्टोरेज पीरियड में यहां लिखेंगे एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन बटन में लिखेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड डेली एवरेज लिखेंगे, डेली मटेरियल कंज्यूम्ड। डेली निकालने के लिए हमें इसमें भाग लगाना पड़ेगा 365 का। तो इस तरीके से जो मटेरियल कंज्यूम्ड है वो लिख करके हम क्या करेंगे, उसमें 365 का भाग लगाएंगे तो डेली मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। और यदि हम यहाँ यदि डेली नहीं लिखते हैं, ठीक है, मटेरियल कंज्यूम्ड लिखते हैं तो 365 यानी कि मेटेरियल कंज्यूम इंटू 365 साल में जितने दिन मानने अपने को बोल है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये है, लेकिन मेटेरियल कंज्यूम आप जो डेली निकालने वाला है वो क्या फॉर्मूला होता है इसके नीचे लगता है 365 इस तरीके से, तो गुणा में क्या है नीचे तो यहाँ ऊपर चला जाएगा 365, तो इस तरीके से डेली निकलता है, ठीक है। तो डेली मेटेरियल कंज्यूम होता है इस तरीके से। तो आप क्या करोगे, ये मेटेरियल कंज्यूम लिखोगे जितना भी है, ठीक है, और साथ में 365 से क्या करोगे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो डेली लिखो तो इस तरीके से डेली नहीं लिखो तो इस तरीके से डेली लिखते हैं तो 365 कितने दिन होती है, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं कि एवरेज स्टॉक क्या होगा, तो एवरेज स्टॉक है जो रॉ मटेरियल का, ये इसको जोड़ करके 2 का भाग लगाना है, एवरेज स्टॉक 110,000 प्लस 150 अपॉन 2, तो ये 1-2 ही हो गए, 260 का एवरेज होता है 130। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है इसमें ये आएगा 130,000 अपॉन
मेटल कंज्यूम्ड, इसमें लिखते हैं मेटल कंज्यूम्ड में ओपनिंग रॉ मेटेरियल आ जाएगा प्लस परचेज ऑफ रॉ मेटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मेटेरियल। ठीक है, तो हमें ये दे रखे हैं हमें, तो इस तरीके से एक दस आ जाएगा सबसे पहले तो रॉ मेटेरियल का प्लस परचेज से हम लेते हैं कितने 7,70,000 है माइनस कर देंगे 1,50,000। तो ये जो इसकी वैल्यू आती है वो आती है 7,20,000। 7 और ये इसको जोड़ेंगे तो 8,80,000 हो जाएंगे। 8,80 में से 1,50 घटाएंगे तो 7,30 आएंगे। यहाँ लिखेंगे 7,30,000 into 365। तो इस तरीके से इसको अपने को हल करना है। अब देखते हैं कि इसका जो वैल्यू कितना आता है, तो इसकी जो वैल्यू आई है वो है 65 दिन आ गए इसको कैलकुलेशन करने पे। तो अगला हमारा जो नंबर दो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो एम है मैं यहाँ लिखता हूँ ये आया है 65। ठीक है, अगले संख्या निकालते हैं तो मेटल कंज्यूम्ड हमारा 7,30,000 है। ठीक है, तो हमें आगे अगला जो टॉपिक निकालेंगे WIP का, उसमें ये चाहिए तो इसके लिए और ये याद रखना है अपने को। तो मैं आगे इस फॉर्मूला लिखता हूँ उसका, अब हमें लेना है इसको कन्वर्जन पीरियड में बोलते हैं और WIP पीरियड भी बोलते हैं। वर्क इन प्रोसेस पीरियड या वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड या कन्वर्जन पीरियड भी इसको कहा जाता है, जिसे हम W के नाम से जानते हैं। इसका होता है एवरेज स्टॉक ऑफ WIP। तो इसके नीचे लिखा जाता है वो है फैक्ट्री कॉस्ट इंटू 365। यहाँ डेली फैक्ट्री कॉस्ट भी लिखा जा सकता है, डेली निकालोगे तो 365 कैसे फैक्ट्री कॉस्ट में भाग लगाओ तो डेली आ जाएगा, और नीचे बट्टे में बट्टा होता है इसलिए इसको ऊपर लिख देते हैं, तो सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो एवरेज स्टॉक निकालना है तो जो हमारा WIP 45,65,000 है इसको जोड़ करके 2 का भाग लगाएंगे तो ये एवरेज स्टॉक ऑफ WIP निकालते हैं। ये 45,000 प्लस 60,000 अपॉन 2 तो ये हो गए 1,05,000। 2 का भाग लगाएंगे तो आ जाएंगे 52,500। तो 52,500 इसकी वैल्यू आती है। फैक्ट्री कॉस्ट हमारी है वो निकालनी पड़ेगी हमें। फैक्ट्री कॉस्ट के लिए सबसे पहले लेना पड़ेगा WIP का है जो ओपनिंग WIP प्लस मेटेरियल का जो तो हमने मेटेरियल इसमें लिया था मेटेरियल कंज्यूम्ड प्लस वेजेस और प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस माइनस WIP क्लोजिंग। WIP का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा देंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट के लिए सबसे पहले WIP की जो हमारा स्टॉक था वो था 45,000 लिखेंगे यहाँ प्लस मेटेरियल कंज्यूम्ड 7,30,000 था हमारा जो एक नंबर में हमने काम में लिया वही कितना है। वेजेस में हमें दी हुई है वो है 3,30,000 और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो दे रखे हैं वो है 1,02,32,500
तो माइनस इसमें से करना है हमें क्लोजिंग जो WIP है वो है 60,000। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद में हमें जो राशि प्राप्त होती है वो है, तो इसकी जो टोटल वैल्यू आती है इसको जोड़ने के बाद में और लास्ट घटाने के बाद में 12,77,500। यहाँ लिखेंगे हम फैक्ट्री को ताकि 12,77,500 × 365। इसका हम कैलकुलेशन करते हैं तो आते हैं 15 डेज। तो 15 डेज WIP का मैं यहाँ लिखता हूँ कि 15 डेज हमारे ये आए। तो इसके बाद में हमारा जो ये पहला टॉपिक था और इसके बाद में ये हमारा सेकंड WIP का था। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक आएगा वो आएगा फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, यानी फिनिश गुड्स हमारा जो स्टोरेज में कितने दिन तक रहता है। तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो फॉर्मूला लिखते हैं, तीसरा हमारा जो टॉपिक रहेगा फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड एवरेज, इसको मैं एफ के नाम से दर्शाता हूँ। उसको मैं यहाँ लिखता हूँ एवरेज फिनिश गुड्स अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल × 365। तो ये फॉर्मूला इसमें हम काम में लेते हैं। तो इस फॉर्मूले के अनुसार है जो हमें कॉस्ट ऑफ सेल ज्ञात करने पहले तो एवरेज फिनिश गुड्स से जो स्टॉक है वो निकालेंगे। तो एवरेज फिनिश गुड्स स्टॉक, एवरेज फिनिश गुड्स स्टॉक हो गया इसको, तो एवरेज फिनिश गुड्स स्टॉक हमारा 90,250 × 53,750 है। एवरेज फिनिश गुड स्टॉक आ गया 90,250 + 53,750। इसको हम जोड़ करके 2 का 5 लगाएंगे तो इसकी वैल्यू हमने पहले से निकाल रखी है। देख के लिखते हैं इसमें से कितना आता है। तो इसका जो आता है तो इसका एवरेज रहेगा 72,000। ठीक है, इसके बाद में हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग फिनिश गुड्स स्टॉक प्लस फैक्ट्री कॉस्ट माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स स्टॉक, ये इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ सेल निकालने का। पहले तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमारा जो ये दे रखा है, लिख रखा है ये आ जाएगा 90,250 प्लस फैक्ट्री कॉस्ट हमने निकाली थी वो थी 12,77,500 माइनस इसमें से करेंगे 53,750। तो इसका जो टोटल आता है ये ऐड करने के बाद में घटाने के बाद में हमने पहले से किया हुआ वो देख लेते हैं कितना है। तो यह 13,14,000 यह आएगा बराबर 13,14,000। तो इस तरीके से हम सारी चीजें लिखते हैं, एवरेज फिनिश ये आ गया, एवरेज आ गया 72,000 फिनिश गुड्स का और कॉस्ट ऑफ सेल आ गई है 13,14,000 × 365। हम कैलकुलेशन करते हैं तो जो राशि हमें प्राप्त होती है वो है 20 डेज 20 दिन। तो ये हमारी जो फिनिश गुड्स की जो टाइमिंग है वो 20 दिन हमारे पास रहता है। ठीक है, तो स्टोरेज में हमारा जो तैयार माल वो 20 दिन रहता है। उसके बाद में हम निकालते हैं डेटर। तो डेटर के लिए
तो चौथा हमारा जो टॉपिक आता है वो है डेटा कलेक्शन पीरियड। डेटा कलेक्शन पीरियड, इसके लिए हम लिखते हैं एवरेज रिसीवेबल और डेटा लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास केवल डेटा ही है, इसलिए एवरेज डेटा लिख देते हैं। इसको हम बी के रूप में दर्शित करते हैं। यह आ जाएगी क्रेडिट सेल्स इंटू 365। तो हमारी जो सेल्स थी वो सारी हमने लिख रखा है कि क्रेडिट की थी। ऑल गुड्स आर सोल्ड फॉर क्रेडिट, सारा माल जो उधारी बेचा जा रहा है। तो इस कंडीशन में एवरेज डेटर निकालते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग को जोड़ के दो का भाग लगाते हैं। डेटर हमारा 120 और 150 था, 120,000 प्लस 150 अपॉन 2, तो ये हो गया 270, तो ये हो जाएगा 135,000। एवरेज डेटर आते हैं 135,000, ठीक है। एवरेज डेटर हमारे 135 है। क्रेडिट सेल्स हमारे टोटल सेल थी 16,42,500 ये 365 से इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कैलकुलेशन में क्या आता है। तो इसकी जो राशि आती है वो आती है 30 डेज 30 दिन। तो यहाँ हम डेटर को जो टाइम दिया जाता है वो है 30 डेज है, ठीक है। अब हम क्रेडिटर का जो पीरियड है वो निकालते हैं, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, क्रेडिटर को कितने दिन बाद में हम पेमेंट करते हैं। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो उसका फॉर्मूला है तो सी से प्रदर्शित करना है। एवरेज लिखेंगे सबसे पहले, एवरेज क्रेडिटर्स अपॉन क्रेडिट परचेज इंटू 365। तो हमें एवरेज क्रेडिटर निकालने के लिए क्रेडिटर देर के 40,000 और 45,000 एवरेज क्रेडिटर निकालना है। हमें ओपनिंग क्लोजिंग जोड़ना है इनका, 40,000 प्लस 45,000 जोड़ करके दो का भाग लगाएंगे, यह आ जाएगा 42,500। ये 42,500 आएगा। क्रेडिट परचेज है तो इसके लिए हम निकालेंगे क्रेडिट परचेज। तो हमारा जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है ये 7,70,000 था, ठीक है। इसमें से हमने नीचे लिखा है कैश परचेज 149,500। तो क्रेडिट परचेज निकालते हैं, तो ये 7,70,000 में से हम घटाते हैं 1,00,000 जो कैश आया हुआ है परचेज द्वारा 49,500। तो इसकी वैल्यू जो बचती है वो है 6,20,500। तो क्रेडिट परचेज हम लिखेंगे 6,20,500 इंटू 365 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैलकुलेशन से देखते हैं कि कितना आता है इसका। तो इसका हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है 25 डेज, ये आएगा 25 डेज। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास सारी चीजें जो हमें चाहिए थी वो आ गई है। अब हम ऑपरेटिंग साइकिल टोटल कितना आता है डेज का, तो हम वो निकालेंगे। तो आप देख सकते हो कि ऑपरेटिंग साइकिल सबसे पहले मटेरियल कितने दिन स्टोर में रहता है, 65 दिन रहता है, और ये WIP में 15 दिन रहता है, फिनिश गुड्स 20 दिन रहता है, क्रेडिटर को टाइम लिया वो 30 डेज है 30 दिन, और क्रेडिटर को हम पेमेंट करते हैं 25 दिन बाद में। तो इनको हम टोटल कर लेते हैं, 65 और 15 80 हो जाते हैं, 80 और 20 हो गए 100, और ये हो गए 130। तो 130 में से 125 घटाएंगे तो ये बराबर आएगा 105 डेज। तो इस तरीके से हम
ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालते हैं, ठीक है, इस तरीके से निकाल आसानी से निकाल सकते हैं। और सबसे जो इस मेथड में जो चीज़ पूछी जाने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ वो यही है कि आपको ये ऑपरेटिंग साइकिल जो पीरियड है किस तरीके से निकाला जाता है ये आपको आना चाहिए, क्योंकि इसमें फॉर्मूले बहुत ज़्यादा है, बस थोड़ा सा फॉर्मूलों का ध्यान रखना है। बाकी जो मैंने बताया था आपको कि वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहला नंबर एक था उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, नंबर एक पे, एक पे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और दो नंबर पे इसमें आता है वो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आता है, ठीक है, हमने जो निकाला है ओसी को बोलते हैं। तीन नंबर पे नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल होता है, ठीक है, और नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, और चार नंबर पे जो आता है वो है WC। तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल है तो हम इसमें तीन, ये जो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल है, ठीक है, ये साइकिल पीरियड आता है 365 में ओसी का भाग लगाएंगे तो ये तीन नंबर टॉपिक हमारा आ जाता है, और जब एक नंबर हमारा टॉपिक है उसमें तीन नंबर का भाग लगाएंगे तो ये चार नंबर WC आ जाती है। इस तरीके से WC आती है। तो आज हमने जो हमारा मेन मुख्य जो टॉपिक था ऑपरेटिंग साइकिल किस तरीके से निकालते हैं वो हमने जाना। कोई प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।